अगर ये लोअर आप खरीदने जाओगे तो ये आपको मिलेगा नहीं। हमारे घर में एक दूसरे का ही रोस्ट होता है। हाँ। और हमें कोई और ना करना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम ही एक दूसरे को इतना कर देते हैं, बाहर वाला कोई ना करे। हमारा कैमरामैन है। अभी सब लोग सोच रहे होंगे बच्चा 7 साल का इतना बड़ा है तो उसका बाप कितना बड़ा होगा। अभी हम आए हैं पार्टी करके, बहुत मजा करके आए हैं। ब्लॉग तो मनी के चैनल पे आएगा, आपने देख लिया होगा। यहाँ अभी है इसको गिफ्ट देने का टाइम। गिफ्ट हम मैं और शिखा लेने गए थे, शिखा इधर बैठी है। और हमें समझ नहीं आ रहा था, ये वैसे है अभी 7 साल का, आज कम्प्लीट हुआ ना, है ना, 7 साल का हो गया। मेरी हाइट ये जितना है, ये काफी सालों का फर्क है, इससे बड़ा होगा काफी सालों का फर्क है जमीन पर। लेकिन कपड़े मुझे बताना पड़ा कि अब वो बच्चा जो है 7 साल का है, हाइट मेरे जितनी है, तो वो कहते हैं आप अपने साथ लगा के देख लो क्या है प्रॉब्लम। फिर हमने ये सब किया वहाँ। अभी सब लोग सोच रहे होंगे बच्चा 7 साल का इतना बड़ा है तो उसका बाप कितना बड़ा होगा। सोफे में नहीं समा रहा है, सोफे में नहीं समा रहा है। भाभी देख लो, स्वीट। मैं तो इतनी हिल साल की गई थी कि मैं चलो थोड़ा सा तो इससे बड़ी लगूं। तो क्या लेके आए फिर दिखाओ। ओए होए। अच्छा पहले बताओ इसके लिए कितने साल के बच्चों के कपड़े लेते हो? अब मैं इसके लिए 13 ईयर। साक्षी कह गई थी कहती अगर ये बच्चे को फिट ना आया तो हम रख लेंगे। उसको काली बड़ी मची, वो देखो अंदर गया फटाफट। अच्छा ये है 7 साल का, 15 साल की बच्चे वाला। अच्छा वैसा यार पर्सनालिटी चेक शिखा ये बात कहते कहते 6 कदम हो गए थे तेरे। कदम पड़े हुए थे, कदम मेरे हैं नहीं ना, आई एम नॉट खाली। वो और भी भैया के कदम थे, 6 कदम। A few moments later. मेरे लिए चश्मा लेके आया, मम्मी को रात को देखनी होती है कोई वीडियो वगैरह, बाजू थक जाते हैं तो फोन में कहीं भी रख के ना देख सकते हैं ऐसे। ओह इतने नजारे बड़ा आ रहे हैं, मनी कितने का हूँ मनी कितने छाते थे देखा। हाँ मैं ऊपर ही हूँ, मनी नीचे है। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, साक्षी ओ यार साक्षी ऊपर की गर्दी भी चालू है। ये तो थोड़ी देर में ना मम्मा यहाँ पे हैवी हैवी फील होता है इसको लगा के ना। ये फोन चलाओ अब, लेट पे आपने फोन चलाना ना ऐसे। नजर तो मेरी है ना ऐसे छत के ऊपर है ते मोबाइल पेड़ पर रखा हुआ है देखो सारा नजर। प्रॉपर लेटो ना मम्मा फिर पता चलेगा। नीचे होके सीधी हो जाओ, नीचे होके। मनी वैसे मुझे यहाँ पर देखना पड़ना था ऐसे करके, अब मैं पता क्या कर रही हूँ, वो देख रही हूँ यार। साक्षी भी आ दो चार मंगवाओ कर रूम बस। ये देखो आप इतना ब्लॉग लगाओ उसमें कॉपीराइट चला। अच्छा साक्षी भी उन पर अपनी आंखों की रोशनी चली गई।
एक हमारे पास ये भी फोन है आईफोन 5s। हुन मैं अपने हाथ में दसा कि मेरा फोन किथे है, बस मेरी ऐनक चुकना जी तुम आके। हां ठीक है, हुन मेरी ऐनक चुको, मेरी आंखें उठे ही होनगी जिथे मेरा फोन है। शिखा आप तो सामने पेंटिंग्स देख रहे हो। हां तो पेंटिंग तो उठती है ना ऐनक। ओ सॉरी ऐनक ने मोबाइल फिर चुको आवे। ओए उठती है, ओए फोन आए। मेरी गर्दन सही हो यानी इदा? हां गर्दन गर्दन ठीक हो गए कि लेकिन ये नाक की हड्डी आपकी टेढ़ी हो सकती है। ओ बिच में डाले सारे सिंपल। The next day। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये पजामा जो है, ये लोअर जो है, ये जैक एंड जोन्स, ये मैंने जैक एंड जोन्स के मनी मनी इतने फंबल है, हाय 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 क्या इन लोगों ने ब्रांडेड बनना है, मतलब इसलिए हम ना इनको ब्रांडेड चीज लेकर ही नहीं देते क्योंकि ब्रांड का नाम ही नहीं लेना आता। दोस्तों ये मैंने जैक एंड जोन्स से खरीदा था, पर अगर ये लोअर आप खरीदने जाओगे तो ये आपको मिलेगा नहीं। क्यों? ये डिजाइन जो देख रहे हैं, ये वाला डिजाइन, ये वाला क्या डिजाइन है? आप उसको बोलोगे ये फौजी कलर जो पजामा है हमें दे दो, ये नहीं मिलेगा, ये डिजाइन नहीं मिल सकता। पता क्यों? क्यों? ये था ब्लैक ही, जब अलमारी से निकाला तो ये जिंगला लगा हुआ है। तो बिना आप बिल्कुल गलती ना करें ये लोअर ढूंढने की। अब मेरे को ये सच में समझ नहीं आ रहा, ये सच्ची वाला जंगाल है या डिजाइन? जिंगाल लग गया अलमारी में, बड़ा बड़ा कलर निकल गया इसका। आप बताओ सच्ची में? हाँ हाँ सच्ची बताऊँ, ये डिजाइन लग रहा है, लग रहा है। अब आप देखना है ये कंपनी चोरी करेगी ये आइडिया। हाँ। मैं इसमें कॉपीराइट डालूंगा। ये पहनना चाहिए तुमको, पहन के मैं तो बोलती हूँ पार्टी में जा, रेड कार्पेट पे चले। पहन तो लूं शिखा, पर पापा क्या पहनने देंगे? ये पापा वैसे यार बाहर ना बिजली बड़ी खतरनाक चमक रही है। एक बात यार, बिजली दिखाने दो यार, वही तो दिखाने आई थी। ओ मैंने इंस्टाग्राम पे ना भी एक स्टोरी बना के डाली है, मौसम इज ऑसम। क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही। ऑसम की स्पेलिंग क्या लिखे हैं? ऑसम की स्पेलिंग पता नहीं क्या होते हैं। मेरी ईमेल आईडी की स्पेलिंग पता क्या है? ओ एस यू एम। ये ऑसम स्पेलिंग ऐसा नहीं, नहीं बिल्कुल। ऑसम का मतलब वो था ना, ए डब्ल्यू है ना, मेरी आईडी ऐसी। और एक और बात शेयर करूं तुमसे? बोलो। मैं कंप्यूटर जब सीखने गया तो आईडी बनानी होती है ना, उसमें लिखा था ना, उसमें आते क्वेश्चन आते पेट नेम कि कभी पासवर्ड भूल जाओ तो वो आ जाए रिकवर कर। तो लड़की थी एक, उसने मुझे बोला आईडी बना देती हूँ, पेट नेम डाल दूं इसमें। मैं क्या, हाँ कहती क्या डालू? मैंने कहा मनी। तेरे को भी नहीं पता लगा ना? नहीं। पेट नेम अपनी तरफ से उसने पूछा था डॉगी का नाम क्या डाला। मनी डाल दिया उन्होंने। मैंने मैंने डलवाया और मुझे पता क्या लगा, वो था नहीं आपका पेट नेम, निक नेम। निक नेम समझ गया। पेट नेम कोई है, मतलब जो चलता है रेगुलर, जो मतलब वो हम बोलते हैं वैसे होता है। निक नेम होता है, हम पेट नेम। बाकी ठीक है, कोई खास फर्क तो है नहीं पेट नेम में और तुम्हारी नेम में। चलो कोई नहीं दोस्तों, अभी मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। साक्षी आ देखो, ये हमारा कैमरा मैन है, ये लोग ऐसे शूट करते हैं और आप लाइक नहीं कर रहे। वेरी बैड साक्षी, तेरे लाइक नहीं करते वीडियो, मेरी तो करते हैं यार। जो 10 आपको ज्यादा कर रहे हैं मेरी आईडी से। बहुत सही। हमारे घर में एक दूसरे का ही रोस्ट होता है। हाँ। और कोई और ना करना, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मम्मी एक दूसरे को इतना कर देते हैं, बाहर वाला कोई ना करे। देखो मौसम, अभी साक्षी जाएगी बाहर और मेरे लिए वीडियो कंटेंट बना के लाएगी। नहीं यहाँ से बाहर नहीं, यहाँ से नहीं। नहीं अगर वो कंटेंट चाहिए फिर नीचे भी एक कैमरा होना चाहिए, ऊपर का सीन आ रहा नीचे। ये ना हो कि हम बाहर जाए और वो वाला गाना हो जाए, बाबूजी जरा धीरे चलो बिजली गिरी, इतनी बिजली गिरी, ये है बिजली गिरी, गिरी गिरी इस पे गिरी, हाँ गिर पड़ी। मनी तू क्या हुआ? अभी क्या हुआ, जैसे कि आप सबको पता है पापा के पास भी आईफोन प्रो मैक्स है ना, और मेरे पास नया आईफोन है। पापा का भी नया है आपका? ये तो मेरा फोन है। ये मनी का कवर कहाँ है इसका? कवर उतारा होगा। कॉन्फिडेंस देखो इस लड़के का। तो पापा भी मुझे पूछते, कहते ये फीचर सिर्फ हमारे फोन में ही है ना, जो फोन के साथ फोन टच करना और शेयर कॉन्टेक्ट करना। मैं कह नहीं, वो उनके फोन में भी आ गया। वो क्यों मतलब? मैं कह वो अपडेट आ गया जो हमारे फोन के फीचर है, शिखा के फोन में भी आ गया, साक्षी के फोन में भी आ गया। मैं कह हाँ, तो फिर हमें अलग क्यों मिला यार इतना पैसा खर्च के? जो चीज अलग मिली है अगर किसी और को उन्होंने ना दी तो शेयर किसके साथ करना है? उसके लिए तो चाहिए ना। उसके पास आईफोन है, गलती से जैसे कंधा टच हो जाता है, फोन टच हो गया, उसका नंबर आ गया अपने पास,
नहीं ब्लूटूथ ऑन हो, ब्लूटूथ ऑन हो, लॉक खुला हो, लॉक भी खुला हो, नहीं नहीं सही लॉक खुला भी नहीं खुला होना चाहिए, लॉक खोल के तो कोई रखता नहीं, नहीं शायद। तो चलो कोई बात नहीं, कल कौन सा दूर है, हमने मॉल जाना, किसी के फोन के साथ फोन टच कर देंगे और देख लेंगे। पहले की वीडियो में टाटा बाय बाय, देखते हैं किसका फोन टच हो सकता है।